बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की दुनिया भर में एक गजब की फैन फॉलोइंग है। वह अपने आप को जितना फिट रखे हुए हैं, उसे देख कोई भी ये नहीं कह सकता कि उनकी उम्र 57 साल है। वह पिछले 35 सालों से लगातार फिल्में करते आ रहे हैं और दर्शकों के दिलों पर राज भी कर रहे हैं। इन्हीं वजह से वह अपनी जान दांव पर लगाकर एक्शन सीन्स भी करते आ रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्शन सीन्स करने में उन्हें जान दांव पर कैसे लगाना पड़ रहा था। तो आपको बता दें कि आज से कुछ साल पहले तक सलमान एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, जिसकी वजह से वह काफी परेशान रहते थे। साल 2019 में इंडिया टीवी से खास बातचीत में सलमान ने अपनी इस बीमारी का जिक्र किया था। इस दौरान उन्होंने बताया था कि बॉडी में जहां पर भी प्रेशर बढ़े, वैसा करना मुझे अलाउड नहीं है। या तो मैं फिल्में करना छोड़ दूं, बंद कर दूं, या कर रहा हूं तो अच्छी तरह से करूं। जिन जिन चीजों के लिए आप मुझे थिएटर में पैसे देकर अपना लेकर अपनी फैमिली को लेकर साथ देखने आते हैं, तो उतना तो मैं मेंटेन करके चलूं। उन्होंने आगे कहा था कि डॉक्टर ने मुझे कहा था कि अगर एक्शन सीन कर रहे हो तो ढंग से करो, इसलिए अभी जो भी कर रहे हैं फुल सेफ्टी के साथ कर रहे हैं। वैसे प्रॉब्लम तो है, लेकिन उसको झेल रहे हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये एक बीमारी है जिसे कहते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरोलाजिया। इसके अंदर ये होता है कि इतना दर्द होता है कि इसे सुसाइड डिजीज कहते हैं। ये बहुत सारे लोगों को होता है। सलमान ने आगे बताया, ट्राइजेमिनल न्यूरोलाजिया बहुत सारे लोगों को होता है। इससे पहले ऐसा लगता है कि कुछ डेंटल प्रॉब्लम है, फिर जाकर पता चलता है कि नर्व है। अब जाकर वो ठीक हुआ, अब उसका इलाज आ गया है, तो वो पेन तो पूरा चला गया मेरा, लेकिन जब उसे देखा गया था तो पता चला कि मेरे ब्रेन के पास एक एन्यूरिज्म है। ये ब्लड क्लॉट जैसा है और वो ऐसी जगह पर जाकर अटका हुआ है, उसको ऑपरेट करो तो फिर वो कोमा में जाने का चक्कर है। एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।